दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने ओकी नाइन्टी का रिव्यू किया था बट कुछ लोगों के कमेंट थे कि इसके अंदर सब्सिडी का इश्यू आ रहा है या फिर आफ्टर सेल सर्विस है वो ओके नावा की अच्छी नहीं है या फिर जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी ज्यादा है तो अगर आपको ओकी नाइन्टी जैसा स्कूटर चाहिए वो भी सब्सिडी के साथ में तो आज का वीडियो आपके लिए है तो दोस्तों ये है D15 Pro जो आता है बेगास की तरफ से ये एक इंडियन बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है तो आपको वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी कि चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा है और वहां पर लोगो लगा के बेचा जा रहा है इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ही है और इसके जो मैक्सिमम पार्ट है वो मेटल के दिए गए हैं जिनको हम आगे कवर करने वाले हैं इस वीडियो में चारों तरह से वॉकराउंड करेंगे और बात करेंगे इसके फीचर्स की डी आपको दो वेरियंट के अंदर मिलेगा एक है डी फिफ्टीन और दूसरा है डी फिफ्टीन जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये टॉप मॉडल है डी इसके अंदर कुछ फीचर एक्स्ट्रा मिलते हैं जिनका हम डिस्कशन आगे वीडियो के अंदर करने वाले हैं इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर भी मिलेंगे जो इंडिया के अंदर पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर दिए गए हैं दोस्तों मैं हूँ कमलेश बडाना और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियोज में आपके लिए लाता रहता हूँ सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं फ्रंट प्रोफाइल से तो यहाँ पर जो हेडलैंप है इसके अंदर आपको एलईडी की रिंग मिल जाएगी जो कि डी है और यहाँ पर आपको बीचों बीच बिग ऑस की बेजिंग की देखने को मिल जाएगी टोटल हेडलैंप जो है एलईडी के अंदर दी गई हैं अगर बात कर टर्न इंडिकेटर की तो वो भी आपको एलईडी के अंदर मिलेंगे हेडलाइट के जस्ट नीचे एक ब्लैक पियानो फिनिश के अंदर पैनल दिया गया है जिसके ऊपर बिगोस की थ्री बेजिंग मिल जाएगी फ्रंट सस्पेंशन में टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं जो बाइक के सस्पेंशन की जैसे अच्छी लेंथ में आते हैं इसके अंदर फ्रंट मडगा भी मेटल, तो मेटल स्कूटर कोई हो तो बताइए तो दोस्तों ये है एक लेटेस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो आता है मेटल बॉडी के साथ में अगर आप इसको रूरल एरिया में भी ड्राइव करते हैं तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर सोलह इंच की बड़ी एलो व्हीलरिंग मिल जाती है टायर की बात कर ले तो इसके अंदर आपको टीवीएस के ट्यूबलेस टू फिफ्टीन बाई सिक्सटीन के टायर मिल जाएंगे स्पेशली मुझे कलर की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी लगी जैसे कार्स के अंदर रिफ्लेक्शन आता है वैसे ही आपको भी यहाँ पर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा पर्ल व्हाइट कलर के अंदर इसके अलावा चार कलर और मिल जाएंगे जिसके अंदर रहेगा मेट ब्लैक विथ सिल्वर रेसिंग रेड अल्पाइन ग्रीन And in blue. ये टोटल पांच कलर मिल जाएंगे आपको डी बड़ी साइज के अंदर, अंदर दिए गए हैं अगर क्वालिटी तो वो भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं फुटबोर्ड यहाँ पर फ्लैट मिल जाएगा बट इतना तो रख है सकते हैं पेड़ कंफर्टेबली रख सकते हैं यहाँ पर एक रबड़ का मेट मिल जाएगा चार्जिंग प्वाइंट की बात करे तो वो यहाँ पर दिया गया है हालांकि इसकी बैटरी रिमूवल है बट एक चार्जिंग प्वाइंट मिल जाएगा आपको और एक कैब के साथ में आता है ताकि चार्जिंग हटाने के बाद में आप इसको लगा दे ताकि धूल मिट्टी वगैरह अंदर ना जाए अब यहाँ पर जो सीट के पास में पैनल दिया गया है वो भी आपको मेटल के अंदर मिलेगा और मेटल का मिलेगा और इसके ऊपर आपको कार्बन फिनिश वाली स्टिकरिंग दी गई है रियर सस्पेंशन में आपको ड्यूल स्प्रिंग हाइड्रोलिक शोक मिल जाएंगे यहां पर जो इसका स्विंग आर्म का कवर है वो एक अच्छे डिजाइन के साथ में तो आता ही आता है साथ में ड्यूल टोन के भी मिलेगा वहीं पर बात करें पीछे की तरफ व्हील की तो यहाँ पर भी आपको, 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 आपको ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दोनों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है टॉप स्पीड की बात करें तो वो रहेगी सिक्सटी किलोमीटर पर आर की कंफर्टेबल राइडिंग के लिए एक अच्छी सीट मिल जाएगी क्वेश्चन भी काफी अच्छे हैं वाइज बात कर लें तो जैसे बाइक्स में होती है लगभग उतनी ही लंबाई की सीट आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों अभी तक हमने वीडियो के अंदर फ्रंट और राइट साइड कवर कर ली है बट तो एलईडी होने की वजह से विजिबिलिटी काफी अच्छी होगी टेन इंडिकेटर एलईडी के अंदर दिए गए हैं नंबर प्लेट लाइट मिल जाएगी आपको और सेफ्टी के लिए कुछ रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं एक नंबर प्लेट के जस्ट नीचे मिल जाएगा और दो साइड में मिलेंगे दोस्तों अगर इसके पेलोड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप 150 किलोग्राम तक आराम से कैरी कर सकते हैं यहाँ पर आपको बाइक की जैसे साड़ी गार्ड मिल जाएगा लेडीज फुट का भी काम करेगा जो कि डेली यूजेज के हिसाब से काफी जरूरी चीज है अब बात कर लेते हैं इसकी मोटर की जो फिट है रियर टायर व्हील के अंदर 3100 वाट की पावरफुल मोटर मिल जाएगी इसके अंदर जिसका टॉर्क रहेगा 110 सौ दस का आई के साथ में आती है और BLDC नहीं इसके अंदर PMSM मोटर मिलती है परमानेंट मैग्नेट के साथ में जो आती है अब मोटर के अंदर जो आई की रेटिंग दी गई है इसकी वजह से अगर आप बारिश में भी गाड़ी को चलाएंगे तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा प्लेन राइडर फुटरेस्ट मुझे क्वालिटी वाइज थोड़ा डाउन लगा अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेस की तो हैंडल के पास में आपको मिल जाएगा। यहां पर आप देखेंगे दो चाबियां मिल जाएंगी अब इसके अंदर आपको एंथीथेप वाले फीचर तो मिलेंगे बट वो ऐप से कंट्रोल होंगे उसके लिए आपको रिमोट नहीं मिलेगा यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम चीजें कवर करेंगे वीडियो के अंदर बट फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना मैं उसके ऊपर रिवर्ट कर दूंगा फाइनली बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो कि फुल्ली डिजिटल दिया गया है इसके अंदर आप गाड़ी की स्पीड देख सकते हैं बैटरी के परसेंटेज देख सकते हैं साथ ही साथ डिस्टेंस टू तो इम्पिटी भी चेक कर पाएंगे यहां पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर कलर डिस्प्ले होती तो और भी बेस्ट हो सकता था अब बात कर लेते हैं स्विचेस की तो राइट साइड में फ्रंट और रिवर्स के लिए और इसी के पास में आप देखेंगे हेडलाइट ऑन ऑफ के लिए और डिपर का भी इसी के अंदर मैकेनिज्म दिया गया है और इसी के नीचे आप देखेंगे तो मोड चेंज करने के लिए आपको बटन मिल जाएगा वहीं पर बात करें लेफ्ट साइड की तो यहाँ पर आपको हाई बीम लो भी के लिए इसी के पास में टेन इंडिकेटर और आपको, आपको पुश बटन मिल जाएगा जिसको चेंज करके आप गाड़ी की ओडोमीटर रीडिंग चेक कर सकते हैं और डिस्टेंस टू एमपीटी चेक कर सकते हैं चारों तरफ से वॉकराउंड कंप्लीट कर लिया है डी फिफ्टीन प्रो का अब फाइनली बात करेंगे इसके अंडर सीट स्पेस की तो जो मेन स्विच है वहीं से आप सीट को अनलॉक कर सकते हैं तो दोस्तों ये है इसकी बैटरी यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में इसका बैटरी केस दिया गया है यहाँ पर एक फैन मिल जाएगा बैटरी को ठंडा रखने के लिए गर्मियों के टाइम पे जब बैटरी के सेल्स का टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है तो ये फैन मदद करेगा इस बैटरी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वैसे तो इस स्कूटर की बैटरी रिमूवेबल है बट आपको इसको निकालने के लिए कुछ टूल्स की सहायता लेनी पड़ेगी अगर बैटरी स्पेक्स की बात कर ले तो वो रहेगी थ्री पॉइंट टू की लिथियम आयन बैटरी आती है आईपी के साथ में चार्जिंग टाइम की बात कर लें तो जीरो से 80 करने के लिए इसको चार घंटे लगेंगे वहीं पर जीरो से 100 होने के लिए इसको पांच से साढ़े पांच घंटे लगेंगे और एक बार फुल चार्ज होने के बाद में ए आर के अनुसार आप इससे 115 किलोमीटर तक की रेंज ले सकते हैं वारंटी की बात कर लें तो आपको इसके अंदर छत्तीस किलोमीटर और तीन साल की वारंटी मिलती है जो भी पहले हो जाए आप इस वारंटी को एक्सटेंडेड भी करवा सकते हैं लगभग आपके साढ़े चार से पांच हजार रुपए लगेंगे इसके बाद में आपके वारंटी छत्तीस हजार से बढ़कर पचास हजार हो जाएगी और तीन साल से बढ़कर पांच साल हो जाएगी एक्सटेंडेड वारंटी ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो ले सकते हैं अगर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं बट मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए क्योंकि आप पांच साल तक बेफिक्र हो जाएंगे पूरी जो है वारंटी कवरेज कंपनी का रहेगा दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का जो है सब्सिडी तो यहाँ पर आपको दो सब्सिडी मिलने वाली है स्टेट सब्सिडी और सेंट्रल सब्सिडी अब पर सेंट्रल सब्सिडी है वो आपको मिलेगी इसके अंदर फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज की अड़तालीस हजार रुपए की इसके अंदर आपको सब्सिडी मिल जाएगी वो अमाउंट कट करने के बाद में जो इसकी ऑनरोड प्राइस निकल कर आती है वो है एक लाख पच्चीस हजार रुपया अब यहाँ पर स्टेट सब्सिडी के दस हजार कुछ टाइम बाद में आपके अकाउंट में रिफंड हो जाते हैं स्टेट सब्सिडी का बता दूं वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से है राजस्थान में स्टेट सब्सिडी मिलती है अदर स्टेट में हो सकता है ना मिले बट आपको जो सेंट्रल सब्सिडी है वो आपको इंडिया के अंदर मिलेगी ही मिलेगी इसके अलावा आपको इंडिया में पहली बार किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में रोल ओवर सेंसर मिल जाएगा तो बाई चांस अगर आप इस स्कूटर से गिरते हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर अपने आप शट डाउन हो जाएगी ताकि गिरने के बाद में स्कूटर का मूवमेंट रुक जाए और नुकसान कम से कम हो दोस्तों इसकी जो ऐप है वहां पर भी आपको काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाएंगे इसके अंदर आप जियो फेंसिंग रोल ओवर अलर्ट हेल्थ चेक ऑफ द व्हीकल रेंज इन किलोमीटर ऑन ऐप इसके बाद में व्हीकल अलर्ट ये सारी चीजें ऐप से ही कंट्रोल कर पाएंगे तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के अंदर टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग